आपने टीवी पर बहुत से कमाल शोज देखे होंगे, पर कुछ शोज ऐसे होते हैं जो आपके दिल में एक अलग ही पहचान और जगह बना लेते हैं। किसी भी शो को जो चीज लोकप्रिय है और लोगों का चाहिदा बनाती है वो है उसके किरदार और उसकी कहानी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी एक ऐसा ही शो है जो अपने अलग अलग तरह के किरदारों और कहानियों की वजह से लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना चुका है। इन्हीं किरदारों में से एक किरदार का नाम है डॉक्टर हाथी, जिनको आप में से ज्यादातर लोग तो अवश्य पहचानते होंगे। आज की हमारी ये वीडियो डॉक्टर हाथी यानी कि कवि कुमार आजाद के बारे में है और उन्हीं के जीवन को डेडिकेटेड भी है। आपको जानकर बहुत दुख होगा, पर आपको बता दूं कि 9 जुलाई 2018 को हार्ट अटैक के कारण कवि कुमार आजाद यानी कि हमारे डॉक्टर हाथी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अचानक आई उनके जाने की खबर से उनके फैंस को काफी दुख हुआ। वहीं उनके निधन से न केवल उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिली को बल्कि पूरी टीवी जगत को असहनीय नुकसान हुआ है। बहुत से लोग कवि कुमार आजाद को ऑन स्क्रीन तो पहचानते थे, पर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ कम ही जानते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन की पूरी कहानी बताएंगे। कवि कुमार आजाद का जन्म 2 जनवरी 1973 को भोजपुर बिहार में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत में सिनेमा जगत ने लोकप्रियता पाना शुरू किया था। अगर ऐसा कहें कि उस दौर में ज्यादातर लोग सिर्फ एक्टर बनना चाहते थे तो गलत नहीं होगा। एक्टर बनने की चाह रखने वाले उन्हीं हजारों लाखों लोगों में से एक थे कवि कुमार आजाद। जन्म के कुछ समय बाद ही उन्होंने क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी। डॉक्टर हाथी के रूप में पहचान पाने से पहले भी कवि कुमार आजाद अपना हाथ एक्टिंग में आजमा चुके थे, पर उनको सफलता नहीं मिली थी। आपको बता दें कि डॉक्टर हाथी बड़े पर्दे पर सन 2000 में आई आमिर खान की फिल्म मेला में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वे 2003 में आई फंटोश फिल्म में भी नजर आए। इन फिल्मों में उनको रोल तो मिला पर पहचान ना मिल सकी। सफलता ना मिलने के बाद भी वे निराश ना हुए बल्कि अपने टैलेंट पर भरोसा रखा और मेहनत करते रहे। यूं ही समय बीतता गया और इसी बीच उन्होंने कई और कलाओं जैसे पोएट, राइटिंग और स्टैंड अप कॉमेडी में भी महारत हासिल कर ली और खुद को पहले से बेहतर बना लिया। और दोस्तों, इसी समय पर उन्हें अपने नाम के आगे कवि लगाने का अधिकार मिला। समय के साथ उनकी एक्टिंग में भी काफी निखार आ चुका था और 2009 में उनको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी का किरदार मिला। ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ, क्योंकि इसी रोल के बाद उन्हें भारत के घर घर में जाना जाने लगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिले रोल ने उन्हें एक मशहूर हस्ती बना दिया और इस रोल को करने के बाद लोग उन्हें पहचानने लगे थे। उन्होंने अगले कई सालों तक इस किरदार को बखूबी निभाया और टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली। उन्होंने अगले कई सालों तक अपने जोक्स और चुटकुलों से पूरे देश को हंसाया। पर जैसा कि हम जानते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। कवि कुमार के जीवन में जहाँ प्रोफेशनल लाइफ पूरी ऊंचाइयों पर थी, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। वह कई बीमारियों से परेशान थे, पर इसके बावजूद भी वह अपने काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करते थे। वह डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से परेशान थे, पर जब भी वह अपना किरदार निभाते थे तो अपना दर्द भूल जाते थे और पूरी तरह से लोगों को हंसाने में जुट जाते थे। 9 जुलाई 2018 को वह तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग अटेंड करने वाले थे, पर उस दिन उनकी तबीयत उनको ठीक ना लगी, इसीलिए कवि कुमार आजाद ने मीटिंग अटेंड ना करने का फैसला किया और इसके बारे में प्रोड्यूसर को बता दिया। किसी को क्या पता था कि कवि कुमार आजाद अब कभी भी शो के लिए वापस नहीं आएंगे। मीटिंग में जाने को मना करने के कुछ समय बाद ही डॉक्टर हाथी यानी कि कवि कुमार आजाद को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु उनके परिवार के लिए एक ऐसी कमी है जो शायद कभी पूरी नहीं होगी, पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से लड़ने की ताकत प्रदान करे। वहीं अगर कवि कुमार आजाद की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वह एक शादीशुदा व्यक्ति थे और उनकी पत्नी का नाम नेहा था और उनके 2 बच्चे भी हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी का रोल करने तो कई एक्टर्स आ जाएंगे, पर कवि कुमार आजाद की कोई जगह ले सके ऐसा कोई मुश्किल ही मिलेगा। कवि कुमार आजाद ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, पर वो हमारे दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।